चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ की भू आकृति बहुत अलग है। हर क्षेत्र में आपको अलग अलग प्रकार की मृदाएँ मिल जाएगी और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की फसलें लगभग मिल जाती हैं। इसलिए भारत में कुल मिलाकर 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए ये मृदा जो होती है ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर अर्थात भूपर पट्टी में पाई जाती है और इसी से ही अधिक मात्रा में फसलों की उपज होती है और यह निर्भर करता है कि कोई भी क्षेत्र कितना ज़्यादा मात्रा में फसलों का निर्माण करता है। तो देखिए भारत जो एक ऐसा देश है जहाँ पर इसकी क्षेत्रफल तो बहुत बड़ी है और इसी क्षेत्रफल पर बसा है 8 प्रकार की मृदा, जिसमें जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थल मृदा, पर्वतीय मृदा, क्षारीय मृदा, या आप इसे बोल सकते हैं जिसमें क्षारीयपन ज़्यादा हो, या फिर पीट या दलदली मृदा पाई जाती है। देखिए ये सभी मृदाएं जो हैं या ये सभी मिट्टी जो है ये भारत के कृषि प्रधान होने का सबसे बड़ा बोल सकते हैं जरिया साबित होता है, क्योंकि हमें पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि पर ही सभी कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह भारत की मृदाएं जो है वो किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूत है, साथ ही साथ ये जानेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए मैप में जो ये वाला भाग है, जो ये क्षेत्र है, ये पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ये काली मृदा का क्षेत्र है और ये ऊपर का भाग जो है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं ये सभी जलोढ़ मृदा का भाग है। तो भारत में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, मतलब जो अवांछित पदार्थ होते हैं और जो भी बोल सकते हैं कि नई मिट्टियां होती है जो पहाड़ों के जरिए, जंगलों के जरिए मैदानी क्षेत्र में लाए जाते हैं, इन भागों में नदियों के द्वारा लाया जाता है, उन अवसादों को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा एक बहुत ही पोषक मृदा है क्योंकि इसमें भारत की लगभग 40% बोल सकते हैं कृषि होती है और यह मृदा जो होती है यह पूरी तरह उपजाऊ मानी जाती है, किंतु इसमें 3 तरह के तत्वों की कमी होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कम होता है। लेकिन इस मिट्टी में चूना एवं पोटास पाया जाता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है और इस मिट्टी में एक यह गुण होता है कि यह 2 प्रकार की मिट्टी के लेयर को तैयार करती है। अर्थात देखिए चूँकि यह नदी से आने वाली मिट्टी है तो जब भी कोई नदी से आने वाली मिट्टी होती है, जब नदियों के द्वारा इन मिट्टी को लाया जाता है तो यह काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि इसके जो क्षेत्र होते हैं उस पर हर वर्ष एक नई मिट्टी का परत चढ़ता है। मान लीजिए कि एक नदी बहती है और उस नदी के बहाव में, ये सोच लीजिए कि एक नदी का बहाव है और ये उसका क्षेत्र है, ये उसके भाग हैं, तो इन भागों में जब पानी ज़्यादा होता है, नदी का बहाव जब ज़्यादा होता है, नदी में जब पानी बढ़ जाता है, पानी का लेवल हाई चल जाता है, तो इस पे भी क्या होता है, वो पानी आ जाता है, वो जल का जो भाग होता है वो यहाँ भी फैलने लगता है। देखते नहीं है बाढ़ बहुत जगह आते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर पानी का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जैसे ही ये पानी का क्षेत्रफल बढ़ने के बाद कुछ समय बाद ये पानी का क्षेत्रफल घटता है तो यहाँ पर नई मृदा की परत पाई जाती है और इसी नई मृदा की परत को हम बोल सकते हैं कि खादर रूप में इसे दर्शा सकते हैं। अर्थात जो नई मिट्टी की परत आती है उसे हम खादर कहते हैं और यही खादर जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है। खादर मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो नदियों के जल के द्वारा लाई जाती है और ये कहाँ से लाई जाती है, ये पर्वतों जंगलों के क्षेत्रों से लाई जाती है। किसके द्वारा, जो नदियों में बहाव बढ़ता है जल का, जब मानसून के समय में तब ये मिट्टी लाई जाती है। तो खादर जो होता है वो नदियों के क्षेत्र में पाए जाने वाला मृदा होता है। इसी के कुछ दूरी पे खादर का मृदा का क्षेत्र होता है, वो जब ख़त्म होता है तो उसी से कुछ दूरी पर जो है अन्य मृदाएं पाई जाती हैं जो खादर से कम बोल सकते हैं पोषक होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं और इन पुरानी मृदाओं को जो खादर से थोड़ी दूर पे हैं या नदियों के क्षेत्र से थोड़ी दूर आते हैं तो इन मृदाओं को बांगर मृदाएँ कहते हैं। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज़ को उतना ज़्यादा पोषक नहीं मिलता है जितना खादर को मिलता है, क्योंकि खादर जो है नदियों के किनारे हैं और बांगर जो है वो नदियों से ज़्यादा दूर होने के कारण इन क्षेत्रों पर, ये नदियाँ के जो क्षेत्र है इन पर एक बोल सकते हैं मिट्टी का उपजाऊ परत नहीं चढ़ पाता है, इसलिए ये कम उपजाऊ होते हैं और जहाँ खादर जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नदियों में जो जलोढ़ मृदा आती है वो 2 रूप में होती है। कौन कौन रूप में होती है, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है।
देखिए, जलोढ़ मृदा जो होता है वो भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, उसके बाद गुजरात का कुछ क्षेत्र है, फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्षेत्र आते हैं, मध्य प्रदेश भी इसमें आता है। साथ ही साथ ये मृदा जो होता है ये अपनी उपजाऊ क्षमता के कारण बहुत उपयुक्त होता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी, क्योंकि अधिकतर किसान जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं और इन क्षेत्रों से भारी मात्रा में चावल जैसे बोल सकते हैं अनाजों का उपजाऊ होता है, उसे उपजाया जाता है और उन्हें तैयार किया जाता है। देखिए, जलोढ़ मृदा को कुछ मुख्य नदियों के द्वारा यहाँ लाया जाता है भारत के क्षेत्रों में, जिसमें नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सभी नदियाँ जो है जलोढ़ मृदा को लाने का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा जैसे नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा को लाया जाता है और साथ ही साथ ये भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली नदियों के द्वारा भी लाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जलोढ़ मृदाएँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और किस तरह भारत के मैप में ये बसी हुई है। तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे या फिर आपको मैप में दर्शाने दिया जाए कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आप इस मैप का उपयोग करिएगा। देखिए, अगला जो है ये क्षेत्र जो है ये गुजरात का और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र में आता है, खास करके आप इसको महाराष्ट्र का क्षेत्र मान सकते हैं। ये क्षेत्र है काली मृदा का। काली मृदा वह मृदा होती है जो प्राचीन समय में, मतलब बहुत पुराने टाइम में, कभी जब ज्वालामुखी यहाँ उत्थित हुआ था या उत्पन्न हुआ था, तो ज्वालामुखी के राख से बना हुआ जो क्षेत्र है या बना हुआ जो मृदा है उसे हम लोग काली मृदा कहते हैं। काली मृदा एक तरह से ऐसी मृदा होती है जो काफ़ी बोल सकते हैं मुलायम होती है, और इस मृदा में मुख्य रूप से ऐसे चीज़ों की खेती होती है जैसे हम लोग कपास करते हैं, और कपास जो होता है काफ़ी उपयुक्त होता है क्योंकि इसी से हम लोग बोल सकते हैं हर प्रकार के वस्त्र तैयार होते हैं। ये काली मृदा जो है ये दक्कन के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उनके उनसे जुड़े कर्नाटक के भी कई क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा जो है ये काफ़ी बोल सकते हैं कि छोटे कणों का होता है, इसलिए इसमें जल को सोखने की ताकत ज़्यादा होती है। जब मानसून का समय होता है तो ये जल के सूखने के कारण बहुत ही बोल सकते हैं प्लेन सतह बनाती है, लेकिन जैसे ही इसमें जल की कमी होती है तो ये दरारें पड़ने लगती हैं इसमें बहुत सारे, और आपने बहुत सारा इंटरनेट पे देखा होगा जहाँ किसान बैठा हुआ रहता है खेत में और जो ज़मीन का भाग है वो फटा हुआ है, मिट्टी उसकी फटी हुई रहती है, तो वो जो फोटोज़ होते हैं वो अधिकतर इन्हीं क्षेत्रों से ली जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काली मृदा में यदि जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, बहुत ही कोमल होगी, और जैसे ही उसमें जल की मात्रा घटती है वो मृदा फटने लगती है। अब देखिए, काली मृदा का कुछ और गुण है कि इसके अंदर मुख्य रूप से लोहा, एल्युमिनियम, पोटास और चूना पाया जाता है, और इसमें जो है इसकी कमी जो है इसके अंदर क्या क्या नहीं मिलता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए, भारत के सभी मृदा में, मतलब आठों मृदाओं में जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और साथ ही साथ ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और इसे पूरा भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत का जो भू आकृति है वो बहुत ही अलग है अन्य देशों से। तो हम लोग काली मृदा में अब जानते हैं कि और इसमें क्या मुख्य है, क्योंकि ये कपास की खेती ज़्यादा होती है इसमें, और साथ ही साथ इसकी जो बोल सकते हैं जल की सोखने की पावर जो है वो अन्य मृदा से ज़्यादा होती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है वो दक्षिणी पठार क्षेत्र में आता है, और दक्षिणी पठारी क्षेत्र कभी एक समय ज्वालामुखी का केंद्र हुआ करता था। तो ज्वालामुखी कभी इस क्षेत्र से निकला और यहाँ पर जैसे उसके राख बसते गए मिट्टी के ऊपर एक नया लेयर बना और इस नए लेयर के द्वारा काली मृदा तैयार हुई। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या फिर रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है, और ये गुजरात, महाराष्ट्र और बोल सकते हैं कि मालवा के पठार तक फैला हुआ एक बहुत बोल सकते हैं छोटा रूप है, लेकिन इन क्षेत्रों में ये काफ़ी उपयुक्त होता है। देखिए, काली मिट्टी में टिटनी फेरस और मैग्नेटाइट नामक लवण उपस्थित होते हैं जिसके कारण इसका रंग भी काला होता है और यह जल को सोखने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। यह मिट्टी जो है बहुत अधिक समय तक जल को सोख के रख सकती है और इसी कारण इस मिट्टी का उपयोग जो है कपास के उत्पादन के लिए ज़्यादा करता है। अब हम लोग जानेंगे लाल मृदा के बारे में। देखिए, लाल मिट्टी जो है ये भारत के बहुत ही ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर अधिक मात्रा में बोल सकते हैं कि दलदली हो तो यह मिट्टी जो होता है पीला हो जाता है, और यदि सूखा हो तो यह मिट्टी लाल हो जाता है। तो कभी कभार लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं मैप में कि कहाँ हमारा लाल मिट्टी पाया जाता है।
देखिए भारत का जो ये क्षेत्र है जिसमें मैंने लंबा लंबा डैश दिया है, ये तो काली मिट्टी का क्षेत्र है, और ये जो लंबा लंबा मैंने डैश दिया है या लाइन खींचा है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। अब बात आता है कि लाल मिट्टी के गुण क्या होते हैं। देखिए लाल मिट्टी जो है वो सबसे कम उपजाऊ होता है, लेकिन कम उपजाऊ होने के कारण इसमें ज़रूरी ये है कि ये लाल क्यों होता है। तो देखिए इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, इस कारण यह मिट्टी जो होती है ये लाल होती है। यदि इसमें ज़्यादा जल की मात्रा होगी तो कभी कभार यह मिट्टी लाल से पीली हो जाती है। तो पीला होने का कारण यह होता है कि इस मिट्टी में क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड जो होता है जल के साथ सॉल्यूबल हो जाता है, जल के साथ घुल जाता है, और लाल से इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब देखिए इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ ये पहले हम लोग जान लेते हैं। ये मिट्टी जो है ये अक्रियन और धारवाड़ नामक चट्टानों के टूटने से बना है। तो इन चट्टानों का जैसे जैसे विघटन होते गया, अक्रियन और धारवाड़ नामक चट्टानों का जैसे जैसे विघटन होते गया, वैसे वैसे ये मृदाएं जो है भारत के इन क्षेत्रों में बनती गई। और ये कोई 10 दिन 10 साल या 20 साल या 100 साल में नहीं हुई, इसे बनने में हजारों साल लगे हैं, जब भारत की भू आकृति जो थी वो तैयार हो रही थी। और इस तरह से बोल सकते हैं लाल मृदा तैयार की जाती है। अब देखिए लाल मृदा जो है कम उपजाऊ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में लोहा, पोटाश और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे जिंक तथा एल्युमिनियम। लेकिन इसमें कुछ बोल सकते हैं ऐसे तत्वों की कमी होती है जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, ह्यूमस की कमी है, और थोड़ी मात्रा में कभी कभार देखा जाता है कि कहीं कहीं पोटाश की भी कमी होती है। ऐसे तो पोटाश इसमें पाया जाता है, लेकिन कई भागों में पोटाश की भी कमी देखी जाती है। अब देखिए ये कहाँ तक फैली है ये हम लोग जानते हैं। देखिए लाल मिट्टी जो है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरी पूर्वी पठार और साथ ही साथ मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है ये उतना उपजाऊ तो नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कई प्रकार की फसलें जो होती है वो बोई जाती है, जो कम अवधि के लिए होता है। इसलिए इसमें चावल, दाल और कई प्रकार के मोटे अनाज को उगाया जाता है। देखिए अगला जो है यह है लैटराइट मृदा। देखिए लैटराइट मृदा या लैटराइट मिट्टी का निर्माण सबसे पहले क्या कहाँ होता है ये जान लेते हैं। देखिए लैटराइट मृदा का निर्माण मेघालय और चेरापूंजी के क्षेत्र में होता है, और ये जो मैंने प्लस का मार्क दिया है ये जो भाग है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैप में देखिए इस जगह पर, इन जगहों पर जो प्लस का मार्क है ये सभी लैटराइट मृदा का क्षेत्र है। और चूंकि लैटराइट मृदा एक ऐसी मृदा है जो भारत में कम मात्रा में है, आप इसको ज़्यादातर नहीं देख सकते हैं, कुछ यहाँ है और कुछ यहाँ पर। तो मेघालय और चेरापूंजी के क्षेत्र क्या होते हैं, ज़्यादा प्रख्यात क्यों है, ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बोला जाता है कि लगातार बारिश होते रहता है, तो उच्च तापमान और अधिक बोल सकते हैं कि वर्षा होने के कारण यहाँ की मृदा जो होती है वो काफ़ी अधिक बोल सकते हैं कि भींगी होती है, या काफ़ी अधिक जल इसमें पाया जाता है। इसलिए लैटराइट मृदा जो होती है यह मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर पश्चिमी और दक्षिणी मानसून टकराती है, और पश्चिमी और दक्षिण मानसून के टकराने के उपरांत ही मानसून के समय में ये जगह जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। यह मृदा जो है यह उतनी अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जिंक और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। इसमें फिर से फास्फोरस, ह्यूमस और पोटाश की कमी होती है। देखिए जब यह मृदा सूखती है तो यह काफ़ी कठोर हो जाती है ईंट की तरह, लेकिन जिस प्रकार यह मृदा भींगती है और इसमें जल की मात्रा पाई जाती है यह बहुत ही कोमल हो जाती है। इसके बाद इस मिट्टी में काजू और कुछ मुख्य मोटे अनाज को उपजाया जाता है, तो उतनी ज़्यादा तो ये प्रयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये भारत के इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि पश्चिमी और दक्षिणी मानसून जहाँ टकराती हैं या जहाँ पर भारी वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ भारत का सबसे ज़्यादा भाग मेघालय और चेरापूंजी को माना जाता है, जहाँ पर हम बोल सकते हैं लैटराइट मृदा पाई जाती है। अगला जो है ये पर्वतीय मृदा है। देखिए जहाँ पर मैंने स्टार का मार्क बनाया है ये भारत के वे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, साथ ही साथ अरावली, सतपुड़ा के क्षेत्र में भी पर्वतीय मृदाएँ पाई जाती हैं। यह मृदा जो होती है यह भारत के इन क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर भी है। तो जिन जगहों पर पहाड़ी क्षेत्र है वो सभी जगह जो क्या है वो वहाँ पर पर्वतीय मृदाएँ पाई जाती हैं। पर्वतीय मृदा जो होती है इसकी परत काफ़ी पतली होती है, चूँकि यह ऊपरी क्षेत्रों में होता है यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में, तो यह निस्खलन प्रक्रिया को ज़्यादा करती है,
और निश्चालन प्रक्रिया होने के कारण यह मिट्टी कभी कभार अम्लीय भी हो जाती है। अब यहाँ बात आता है कि निश्चालन प्रक्रिया क्या होती है। मान लीजिए कि जब बारिश होती है या जब बहुत अधिक मात्रा में बोल सकते हैं जल का बहाव होता है, तो इन क्षेत्रों से जो मिट्टी के जो अच्छे कण होते हैं वो या जो पोषक कण होते हैं वो बह करके नीचे की तल में आ जाते हैं, जिसे निश्चालन प्रक्रिया कहते हैं। निश्चालन प्रक्रिया वह होती है जो पहाड़ों के उपजाऊ मिट्टी को जल के बहाव के कारण या किसी माध्यम से बह करके नीचे के तलहटी में आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, निश्चालन प्रक्रिया कहते हैं। और इसी कारण यह मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। देखिए यह मिट्टी जो है ये काफ़ी बोल सकते हैं पतली परत की होती है, इसलिए इसमें चाय, कहवा, उसके बाद मसालों की ज़्यादा खेती होती है तथा इसका निर्माण पर्वतीय ढालों में होता है। देखिए मरुस्थलीय मृदा जो है वो भारत के इस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें मैंने एस का जैसा आकार बनाया है। चूँकि यह क्षेत्र जो है कम वर्षा का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बोल सकते हैं मरुस्थलीय मृदा, या फिर इसको आप बालू भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है ज़्यादा उपजाऊ क्षमता नहीं होती है, क्योंकि पानी की कमी है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ की मिट्टी जो होती है यह अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। और इसी मिट्टी का जो उपयोग है ये इन भागों में है, भारत के राजस्थान के क्षेत्र में। अब देखिए इस मिट्टी में वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ नई तकनीक को, जिसमें गंगानगर एक क्षेत्र है राजस्थान का जहां पर वैज्ञानिक तकनीक से खेती की जाती है, जहां पर मिट्टी को रीफर्टिलाइज करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है और वहां पर कृषि की जाती है राजस्थान के क्षेत्र में। इस क्षेत्र का नाम है गंगानगर। इस मिट्टी में लोहा, जिंक और चूना पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो यह जो है भारत के एक छोटे से क्षेत्र, या फिर बोल सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान का सिर्फ एक भाग है जो गंगानगर नामक स्थान, जहां पर वैज्ञानिक तकनीक से ही, इसको याद रखिएगा, गंगानगर राजस्थान का वह भाग है जहां वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है, जहां पर मिट्टी को रीफर्टिलाइज किया जाता है। कि अगला जो मृदा है यह है लवणीय मृदा। देखिए लवणीय मृदा जो है यह भारत के इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के जैसे मार्क दिख रहे हैं उन क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा जो होती है यह अति वाष्पीकरण के कारण, इसमें क्या होता है ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, तो इसके अंदर के जो बोल सकते हैं तत्व होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जैसे पोटेशियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, तो ये सब ऊपरी परत में आ जाते हैं और इसी कारण यह मिट्टी जो होती है यह एक तरह से बोल सकते हैं कि अनुपजाऊ होने लगती है। इसीलिए इसे उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद इस मिट्टी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। तो यह भारत के इन क्षेत्रों में पाई जाती है। कि इस मिट्टी में सोडियम के भी कण पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अब जो मिट्टी का जो आंतरिक भाग है, या जब इसमें ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, तो ज़्यादा वाष्पीकरण होने के कारण यह अपने अंदरूनी भागों के जो तत्व होते हैं उन्हें बाहर ले आते हैं, और इन बाहर लाने की प्रक्रिया को कोशिकत्व प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकत्व प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है कि इसका जो आंतरिक जो कण होता है या आंतरिक जो खनिज होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम होता है, ये ऊपरी भाग में आ जाती हैं और इसके कारण मिट्टी जो होता है काफ़ी कमज़ोर होने लगती है और जिप्सम के द्वारा इसे वापस सुधारा जाता है। देखिए यह मिट्टी जो है यह पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। आप मैप में देख सकते हैं पश्चिमी गुजरात, इधर पूर्वी तट का जो डेल्टा है और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। और इसकी उपजाऊ बढ़ाने के लिए इसमें क्या उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसमें और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो अधिक वाष्पीकरण होने से ऊपर की सतह पर आ जाती है। पीट या दलदली मिट्टी जो है यह भारत के इन क्षेत्रों में आता है, और यह जो क्षेत्र है यह काफ़ी उच्च आर्द्रता और भारी वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। यह निम्न मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों में उपस्थित होता है, यह पाया जाने वाला मृदा है, और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मिट्टी में मेघराओं के वन, या बोल सकते हैं मेघराओं के वृक्ष जो होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी तरह से पूरा भारत जो है अलग अलग मृदाओं से, 8 प्रकार की मृदाओं से बना हुआ है। अब देखिए हम लोग जितने तरह के चिन्ह का प्रयोग इस मैप में किए हैं, और उसी तरह के एक सारणी से ये जानेंगे कि किस में कैसा मिट्टी पाया जाता है। इस मैप से हम लोग उसका परिचय कर लेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए इस तरह से आज हम लोग मैप्स के द्वारा जाने, पूरा मैप्स के द्वारा, कि भारत में किस किस जगह पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है।
देखिए कि मैंने कुछ साइन का, कुछ मार्क का प्रयोग किया जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि हमारे भारत में कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है और वो किस क्षेत्र में उपस्थित है। जैसे हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के लिए ये डॉट का उपयोग किया था, जहाँ जहाँ डॉट दिख रहा है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये जो लंबा डैश दिख रहा है, जो मीडियम डैश है या जिसको माइनस भी कर सकते हैं आप, वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र को हम लोगों ने इन भागों में दिखाया था, ये भाग में। उसी तरह ये जो बड़ा सा लाइन दिख रहा है, ये लाल मिट्टी के लिए हम लोगों ने प्रयोग किया था, वो ये वाला क्षेत्र है जो थोड़ा सा तिरछा है। आप चाहें तो इसको कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आपको पहचानने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। उसके बाद ये जो प्लस का मार्क है, ये प्लस का मार्क हम लोगों ने यूज़ किया था लेटराइट मिट्टी के लिए। और ये प्लस का मार्क कहाँ पर है, ये इन क्षेत्रों में है जहाँ पर प्लस का मार्क दिख रहा है, वो सभी लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। उसी तरह हम लोगों ने एक एस के जैसे आकृति का यूज किया था जो मरुस्थली मिट्टी को दर्शाता है। तो मरुस्थली मिट्टी कहाँ पर है, इस क्षेत्र में, जो राजस्थान का क्षेत्र आता है। उसी तरह स्टार के लिए हम लोगों ने पर्वतीय मिट्टी का उपयोग किया, तो देखिए जहाँ जहाँ स्टार दिख रहा है वो सभी पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। क्वेश्चन मार्क्स के लिए हम लोगों ने लवणीय मिट्टी का उपयोग किया था, तो लवणीय मिट्टी कहाँ पर है, ये क्षेत्र। फिर उसके बाद भारत का ये क्षेत्र, ये सभी क्या है, लवणीय मिट्टी है। और एक बड़ा सा बोल सकते हैं कि ब्लैक होल का या ब्लैक मार्क का यूज़ किया था, जो सर्कल के रूप में था, वृत्त के रूप में था, उसके लिए हम लोगों ने पिट और दलदली मिट्टी को दिखाया था। तो वो क्षेत्र कहाँ पर है, इस क्षेत्रों में है, जो समुद्री इलाकों से सटा हुआ या बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है। तो इस तरह से पूरा भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और कौन कौन सी मृदा का क्या वर्क होता है, इसको आज मैंने आपको बताया। आशा करते हैं कि ये पूरी जानकारी को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जियोग्राफी के इस चैप्टर को जान करके आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।